नमस्कार मित्रों, आइए आज हम जो है खेत को नापना सीखेंगे कि अगर कोई खेत जो है इस प्रकार से मान लीजिए आयताकार है और उसका जो पहला भुजा है यानी जो पहला मेड़ उसका है ये 90 फुट है और ये दूसरा जो है 80 फुट है, यानी ये आयताकार है तो इसको हम कैसे जो है नापेंगे कि कितना बिस्सा है और कितना फुट है या कितना वर्ग फुट है। तो हमें जो है इसका रकबा निकालने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो है हमें गुणा करना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हमें करना पड़ेगा। अरे बहुत ही आसान है, हम देख ही रहे हैं कि पहला जो है 90 है, 90 लंबाई है उसकी और चौड़ाई इसकी है 80 फुट। तो अगर इसका गुणा करेंगे जो है तो इसका निकल आएगा रकबा या इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल जो है हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 9/72 और दोनों जीरो उतार लेंगे, 7,200 वर्ग फुट इसका जो है रकबा हो जाएगा। यानी ये खेत जो है 7,200 वर्ग फुट है। अब इसको अगर हमें निकालना हो गज में कितना होगा, जबकि ये गज बराबर होता है 3 फुट। और अगर हम बात करेंगे एक वर्ग गज की तो एक वर्ग गज बराबर हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9 वर्ग फुट। तो हमें निकालना इसका कि कितना ये वर्ग फुट है, तो हमें इसमें जो है 3 का भाग दे देना होगा, हमें जो है इसमें भाग दे देना होगा। ये वर्ग फुट में आया है तो एक वर्ग गज बराबर होता है 9 फुट, तो हमें इसमें 9 का भाग देना होगा। तो इसमें हम 9 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा ये 7200 बटे 9 बराबर हो जाएगा 9/72, 800 वर्ग गज, ये हो जाएगा 800 वर्ग गज। अब इसको हमें निकालना हो कितना बिस्सा है, अगर हम बिस्सा निकालना चाहेंगे इसका कितना बिस्सा है, तो हमें जो है इसमें क्या करना होगा, एक बिस्सा बराबर होता है 1361, इसका 61 जो है फुट होता है, 1361 वर्ग फुट होता है, फुट स्क्वायर। तो इसमें हम जो है भाग दे देंगे 1361 का, तो हो जाएगा 7200 बटे 1361। तो इसका अगर हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5.29, ये आ जाएगा 5.29, यानी कि लगभग ये जो है 5 बिस्सा से कुछ ज़्यादा नहीं, 5.5 बिस्सा के करीब है। तो इस प्रकार से हम अगर इस तरह कोई आयताकार खेत है यानी दोनों मेड़ बराबर है आमने सामने के लंबाई, तो इसका हम जो है इस प्रकार से क्षेत्रफल या ये रकबा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे और बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।